नमस्कार। क्लास 12th केमिस्ट्री में सॉल्यूशन अर्थात विलयन वाले चैप्टर केमिस्ट्री टेस्ट में आज हम कुछ प्रश्न आपको दे रहे हैं। आइए हम सबसे पहले उन प्रश्नों को देखते हैं जो 3 नंबर में आ सकते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन। फर्स्ट ए, डिफाइन द फॉलोइंग मोलरिटी, मोलिलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, अर्थात निम्न को परिभाषित कीजिए, मोलरता, मोललता एवं मोल प्रभाज। दूसरा प्रश्न है, इफ 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिसॉल्व इन 95 ग्राम ऑफ वाटर, डिटरमाइन परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, यानी 2.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 95 ग्राम जल में विलय करने पर विलयन का प्रतिशत द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तीसरा प्रश्न है, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ इच गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, अर्थात गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन, इनके आपको प्रत्येक के 2 उदाहरण या 2 एग्जाम्पल देना है। नेक्स्ट प्रश्न है, राइट शॉर्ट नोट ऑन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अर्थात समपरासरी विलयन, अल्प पराशरी विलयन और अति पराशरी विलयन, इनको आपको एक्सप्लेन करना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारी परीक्षाओं में आता है, डिटरमाइन द मोलिलिटी ऑफ प्योर वाटर, अर्थात शुद्ध जल की मोललता ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 10% इथिलीन ग्लाइकॉल बाय मास, अर्थात एक विलयन में 10% इथिलीन ग्लाइकॉल है तो इथिलीन ग्लाइकॉल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है ग्लाइकॉल का। व्हाट इज हेनरी लॉ, राइट इट्स एप्लीकेशन, हेनरी का नियम क्या है, इसके अनुप्रयोग लिखिए, तो यहाँ पर 2 या 3 अनुप्रयोग आपको लिखना है। नेक्स्ट है, 10 ml ऑफ 10 HCl इज डाइल्यूटेड अप टू 100 ml, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन, 10 HCl के 10 ml को 100 ml तक तन करने पर प्राप्त विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट है, राइट 3 डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अर्थात आदर्श एवं अनादर्श विलयन में 3 अंतर लिखिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज एज्यूट्रॉप्स, व्हाट आर द टाइप्स, गिव एग्जांपल, स्थिर को अंतिम मिश्रण क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके आपको प्रत्येक के उदाहरण लिखना। तो ये हमने बात की थी 3 अंक के प्रश्नों की। अब बात करते हैं 4 नंबर वाले प्रश्न कैसे हो सकते हैं। जैसे पहला है, व्हाट इज राउल्ट्स लॉ, डिराइव इट्स मैथमेटिकल फार्मूला, राउल्ट का नियम क्या है, इसका गणितीय व्यंजक प्रतिपादित करना है जो आप सूत्र देख रहे हैं। फिर नेक्स्ट है, द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 bar, इफ 0.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड इन 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, देन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम 0.845 bar, कैलकुलेट द मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी किसी निश्चित ताप पर बेंजीन का वाष्प दाब 0.85 bar है, 39 ग्राम बेंजीन में 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलय पदार्थ घोलने पर उसका वाष्प दाब 0.845 bar हो जाता है, तो विलय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो ये यहाँ पर आपको जो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाला कंसेप्ट लगा करके करना है। नेक्स्ट है, व्हाट डू मीन बाय एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन 12.5 ग्राम ऑफ यूरिया डिसॉल्व इन 170 ग्राम ऑफ वाटर, देन सॉल्यूशन बॉइल्स एट 100.63 degrees Celsius टेम्परेचर, डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया, इफ द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर इज 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल, क्वथनांक मन्वयन का अर्थ क्या है, 12.5 ग्राम यूरिया को 170 ग्राम जल में विलय करने पर 100.63 degrees Celsius ताप पर विलयन उबलता है, तो यूरिया का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यदि जल का मोलल क्वथनांक स्थिरांक 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल है, तो यहाँ पर आपको फार्मूले पर आधारित जो है सवाल दिया गया है। फिर डिस्क्राइब द बर्कले हर्टले मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर इन द फॉलोइंग पॉइंट्स, लेवल डायग्राम, डिस्क्रिप्शन ऑफ मेथड, एडवांटेजेस ऑफ मेथड, अर्थात पराश्रम दाब ज्ञात करने की बर्कले हार्टले विधि का वर्णन निम्नांकित बिंदुओं में कीजिए। पहला है नामांकित चित्र,
दूसरा विधि का वर्णन हो, तीसरा उस विधि के क्या एडवांटेजेस, उसके लाभ क्या हैं। तो यहाँ पर भी आपको चित्र बना करके और स्पष्ट करना है। फिर ये व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 18% ग्लूकोज सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इफ आर इक्वल टू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज इज 180। परासरण दाब क्या है, 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 18% ग्लूकोज के विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। यदि आर इक्वल टू 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल है और ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान 180 ग्राम है। तो यहाँ पर जो है आपको वन टॉप इक्वेशन लगा करके करना है। फिर इफ 10 ml ऑफ 0.2 NaNHCl एंड 10 ml ऑफ 0.3 NaNHCl सॉल्यूशन आर मिक्स्ड देन फाइंड आउट द नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर। यानी 0.2 NaCl के 10 ml और 0.3 NaCl के 10 ml विलयन को मिलाने पर जो मिश्रण का बन रहा है उसकी नॉर्मलता आपको याद करना है। बहुत ही एप्लीकेशन वाला प्रश्न है और इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। फिर प्रेडिक्ट द डेविएशन ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन इथेनॉल एंड वाटर मिक्स टुगेदर, बी नाइट्रिक एसिड एंड वाटर मिक्स टुगेदर। यानी निम्न विलयन में विचलन आपको बताना है, पहला है इथेनॉल और जल का मिश्रण, दूसरा नाइट्रिक अम्ल और जल का मिश्रण। नेक्स्ट है व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस, इज इट आरओ वाटर इज गुड फॉर अवर हेल्थ, यानी विपरीत परासरण क्या है, क्या आरओ जल हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो ये भी दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, इसको आपको जो है करना है। तो आज आपने यहाँ पर इस वीडियो में सॉल्यूशन अर्थात विलयन क्लास 12th केमिस्ट्री के प्रश्न देखे। आप इनको आराम से जो है घर पर इनके आंसर लिख करके और आप स्वयं चेक कर सकते हैं, अपनी मार्किंग भी खुद कर सकते हो और अपना जो है सेल्फ असेसमेंट आप कर सकते हो। थैंक यू।